जम्मू कश्मीर बैंक यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसा ऐप वायरल चल रहा है जिसको अगर आप इंस्टॉल करते हो आपकी सिक्योरिटी जो है ब्रीच हो सकती है, यानी कि आपके जो बैंक डिटेल्स हैं उसको खतरा हो सकता है। ये खबर जो है आजकल दो तीन दिन से सुर्खियों में चल रही है और आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक जैसे आपको PDF डाउनलोड करते हो उसी प्रकार में एक सॉफ्टवेयर जो है आपके व्हाट्सएप पर आता है जिसको आपके लिए कहा जाता है कि आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको बाद में इंस्टॉल करना है। अगर आप उसको डाउनलोड करते हो इंस्टॉल करते हो तो आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में आ सकती है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको वो जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो J&K बैंक का जो MPay है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती रहती है, यानी कि आप जब भी इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उसकी वेरिफिकेशन जो है काफ़ी लंबी होती है, यानी कि उसका OTP आता है और वो कुछ सेकंड्स के अंदर आपको उसको फिल करना होता है। उसके आगे आपको अपने ATM की डिटेल भरनी पड़ती है और उसके लिए भी लगभग 5-10 मिनट आपको नॉर्मल लगी जाते हैं, क्योंकि जो J&K बैंक की सर्विस है वो थोड़ी हमेशा अक्सर ढीली रहती है। इसीलिए लोगों को थोड़ी परेशानी इसलिए हो रही है कि अब एक और ऐप आया हुआ है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड होता भी है और आपको मालूम भी है व्हाट्सएप के थ्रू इसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑथेंटिक जो ऐप है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके ही उसको डाउनलोड करना है, ना कि किसी व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कुछ इस तरह से कुछ एक PDF वाली शेप में आता है, यानी कि आपको उसको डाउनलोड नहीं करना। जैसे आपको बताता 2-3 MB का है और आप उसको इंस्टॉल करते हो, फिर उसके बाद आपको वो तरह तरह की वहाँ पर नोटिफिकेशन आई होती जिसको आप अलो करते ही जाते हो। अलो करने के बाद आप वो जितनी सारी परमिशन होती है वो आप पढ़ते नहीं हो। और ऐसे भी आपने अमूमन देखा होगा, आप जब किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो आप कभी भी ध्यान नहीं देते हो कि इस एप्लीकेशन में हमें क्या क्या है इसको अपना एक्सेस देना है। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह रहेगा कि इस तरह का कोई भी अगर आपको कुछ सेंड करता है व्हाट्सएप पे, आप उसको इंस्टॉल ना करें ना ही उसको डाउनलोड करें। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो बाहर जा सकती हैं। और ऑलरेडी लोगों ने इसको इंस्टॉल किया भी है जिनको इसका नुकसान हुआ भी है, और वो लोग जब शिकायत करते हैं तब जाके ये खबर सुर्खियों में आती है और तब जाके हमें भी ये जानकारी मिलती है। और मुझे भी इस तरह की जो PDF वाली स्टाइल में व्हाट्सएप पे आया हुआ है, तभी मैंने सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर से बचे रहो। और ऑलरेडी आपको मालूम है किसी न किसी तरह का फ्रॉडेंट आपको कॉल या ऐप कोई ना कोई आपको डेली हर दिन व्हाट्सएप पे या किसी न किसी टेलीग्राम पे आपको आता ही आता है। आपको इन सब चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना है और आपको जो ऑथेंटिक गूगल प्ले स्टोर से जो ऐप है आपको उसी से इंस्टॉल करना है, और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है आपको गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। उसी के चलते आपका सब कुछ सेफ रह सकता है, यानी कि आपको कोई भी अननेसेसरी जो ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के बाहर से आपको डाउनलोड करना है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस तरह का कुछ भी डाउनलोड ना करें ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है वो सेफ रहे। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि कोई भी इस तरह की फ्रॉडेंट एक्टिविटी में ना फंसे और उसकी कोई भी जो बैंक की डिटेल है वो बाहर ना जा सके। पनेरे मसा देखते हैं द स्ट्रेट लाइन।